हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप एवरीथिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट टॉक टू वंस अगेन। तो आज ये स्पेशली मैंने वीडियो बनाया है एप्पल लवर्स के लिए, या वो लोग जो एंड्रॉयड पे हैं और एप्पल में शिफ्ट होने की सोच रहे हैं, लेकिन एप्पल के फ़ोन ज़्यादा महंगे होते हैं, काफ़ी हाई एंड होते हैं, उसकी वजह से पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब एप्पल ने खुद एक सोल्यूशन निकाल दिया है कि आप कम बजट में एक हाई एंड डिवाइस फ्रॉम एप्पल ले सकते हैं, एंड उसका नाम है एप्पल आईफोन एप्पल एस ई, और इसको आईफोन एस ई 2020 भी कहा जाता है। एंड दिस इज द बेस्ट ऑप्शन एट प्रेजेंट अगर आप एप्पल में स्विच करने के लिए सोच रहे हैं, और जिनके पास एप्पल लेना भी चाहते हैं, जो मतलब बेसिकली फैन भी हैं और बजट को लेकर थोड़ा इधर उधर हो रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा मौका है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, व्हाई आई एम सेइंग लाइक दिस, व्हाई इट इज सो गुड। चलते हैं इसी वीडियो पे डिटेल्स में, और अगर आप नए चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब करें, इस चैनल पे बनाते हैं डिटेल ड्रोन से रिलेटेड एंड टेक विच आई यूज, लाइक मोबाइल्स, लैपटॉप्स, हेडफोन्स, एवरीथिंग टेक विच आई यूज। आई लव गैजेट्स, और एज अ डॉक्टर आई ऑल्सो गिव हेल्थ अपडेट्स कभी कभी। तो इनमें से किसी में भी आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज हम बात कर रहे हैं एप्पल आईफोन SE की। यूजली आई टॉक अबाउट बजट फोन्स, और ये एप्पल का बेस्ट बजट फोन मैं कहूँगा अब तक का, क्योंकि इसमें एक तो प्राइस कम है, 40-42 के बीच में उन्होंने रखा है, और अगर आपके पास HDFC का कार्ड है तो ऑलमोस्ट 38 के आसपास कुछ स्कीम्स लगा के मिल रहा है कैशबैक्स के। तो इस रेट में जो आपको मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा है। एज कम एफ यू सी द स्पेक्स, इसमें लगा हुआ है एप्पल की लेटेस्ट चिप, जो कि इसमें है A13 बायोनिक चिप। ये लेटेस्ट चिप है, लेटेस्ट प्रोसेसर है फ्रॉम एप्पल, जो कि इनके फ्लैगशिप फोन्स जो अभी रिलीज हुआ था हाल ही में आईफोन 11 प्रो, उसमें डाला गया है। और ये इतना फास्ट प्रोसेसर है कि इससे आप पबजी खेलें, मल्टीपल ऐप्स चलाएं, जो मर्जी करें, ये हैंग नहीं होने वाला है। और इस बजट में आपको मिल रहा है, कहाँ आपको 1.25 लाख में वो प्रोसेसर मिलता है, कहाँ ये आपको 38-42 के बीच में आपको ये प्रोसेसर मिल जाएगा। फ़ोन की जान होता है प्रोसेसर, प्रोसेसर ही इसको चलाता है, इसके ऊपर ही सारा सॉफ्टवेयर बेस्ड है, इसके ऊपर ही आगे फोटोग्राफ्स, क्योंकि जहाँ तक फोटोग्राफ मैंने आपको कई बार बताया कि कैमरे में पिक्सल विक्सल के चक्करों में मत जाइए, ये छेद हैं सिर्फ। इन छेदों से अच्छी पिक्चर, अच्छी फोटो, अच्छा वीडियो कब आता है, जब उनका सॉफ्टवेयर अच्छा डाला होता है, और अच्छा सॉफ्टवेयर डालने के लिए आपको चाहिए अच्छा प्रोसेसर। तो एप्पल ने आपको बेस्ट प्रोसेसर इस रेट में आईफोन SE में दे दिया है। ये पहला पॉइंट है इस फोन को लेने का। इट इज़ ए बजट, इट्स ए बजट फ्रेंडली फोन फ्रॉम द एप्पल, येट इट इज वेरी फास्ट, इट हैज फ्लैगशिप स्पेक्स। आप इसे यूज़ करेंगे तो याद रखेंगे, और ये आपका फ़ोन 4-5 साल कहीं नहीं जाएगा। आप जितनी मर्जी आप इसमें ऐप डाउनलोड करें, 3 आपको इसमें कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है, 64 GB, 128, 256। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने जाते हैं ऐप्स, तो मेरे हिसाब से बेस्ट आपके लिए वर्जन रहेगा 128, बट अगर आप इतना यूज़ नहीं करते हैं, नॉर्मल सा है, व्हाट्सएप ये वो चीज़ें डालते हैं, तब 64 GB भी आपका काम चला देगा। और इसमें आपको A13 चिप मिल रही है, जो बहुत ही फास्ट है, एंड मतलब कुछ भी करिए आप उस फोन से हाई एंड फोन की तरह, वो सब कुछ आपको देगा। नंबर 3, कॉम्पैक्टनेस। आज के टाइम में भी काफ़ी लोग, अभी भी इंक्लूडिंग मी, आई ऑल्सो प्रेफर कॉम्पैक्ट फोन्स, जो कि एक हाथ में आपके बड़े आसानी से हैं, और जो आपको बड़े अच्छे से फिट हो जाएं और बहुत ईजिली आप यूज़ कर पाएं। तो इसमें भी 4.7 इंच का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है, एंड स्क्रीन साइज की वजह से बहुत कॉम्पैक्ट है, ऑलमोस्ट आईफोन 8 की तरह कहा जा रहा है डायमेंशन में। तो उस हिसाब से भी आपको ये फ़ोन आपको अच्छा लगेगा, आपके हाथ में फिट रहेगा, सिंगल हैंडेड ही आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। नंबर 3, फोटोग्राफ्स, वीडियोग्राफ्स, इसके लिए भी बहुत फ़ोन स्विच किए जाते हैं और कहा जाता है आईफोन का कैमरा बहुत अच्छा है, एंड दिस फोन हैज़ बेस्ट मतलब कंपेरेबल फोटोग्राफ्स के, इसके रिजल्ट्स मैंने देखे हैं, आप इसको बड़े अच्छे से कंपेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा डाला हुआ है इसमें, आपको बोके मिलेगा, अच्छा प्रोसेसिंग मिलेगी फोटोग्राफ्स की, इवन वीडियोज़ में 4K तक आपको दे रहा ऑप्शन, एंड अबव ऑल जैसे हम इंडियंस को डुअल सिम की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस बजट फोन में भी एप्पल की तरफ से डुअल सिम की पॉसिबिलिटी दी गई है। इसमें एक ही सिम डलेगा, इन सिम जितने मर्जी डालिए, मतलब चलेगा एक टाइम पे एक ही, और साथ में एक आपका फिजिकल सिम डलेगा।
अब ई सिम्स का काफी लोगों का कंफ्यूजन है, इफ यू वांट मी टू मेक फुल वीडियो ऑन ई सिम्स, क्योंकि ई सिम्स पे अगर आप चाहते हैं कि मैं आसानी से आपको समझाऊं, वैसे आपको पता होगा, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। तो ऑल एंड ऑल उसके बाद जो सबसे लास्ट फीचर जो बहुत यूजफुल मानता हूं मैं, वो है वाटरप्रूफ। इट इज वाटरप्रूफ एंड इट कैन 1 मीटर तक पानी झेल सकता है, और इसमें तो कोई डुबो के तो रखे हुआ नहीं। वैसे अब होता क्या है, जब हम जा रहे हैं कभी और गीले हाथ लग जाते हैं, उसमें बचाना होता है फोन को, कई बार बारिश आ जाती है, तो उन चक्रों में ये फोन आपका खराब नहीं होने वाला है। तो इन सब चीजों से लैस ये फोन इतने अच्छे दाम पर, और आईफोन आपके पास होगा इस रेंज में, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया डील नहीं हो सकती। अब काफी लोग ये कहेंगे कि जो पिछली बार आईफोन XR रिलीज हुआ था वो हम ले लें, वो भी उसका प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम है। वो देखिए, वो फोन ऐसा है, स्पेक्स में अगर जाएंगे तो आपको प्रोसेसर A12 मिलेगा वहां पर, पिछले साल वाले में जाएंगे तो A12 और A13 में ज्यादा फर्क नहीं लगेगा, बट यस फर्क तो है, क्योंकि जो 13 है वो फास्ट है, चाहे थोड़ा सा ही फर्क है, फर्क तो है, फास्टर तो है, ठीक है, पहला पॉइंट ये। तो उस हिसाब से मैं कहूंगा गो फॉर लेटेस्ट चिप, इसलिए दिस इज बेटर। नंबर टू, वो बल्की है, जो आईफोन XR सीरीज चल रही है, जो अब आईफोन 11 बन गया है, वो बहुत बल्की है, 6 इंच का उसका डिस्प्ले। वो पर्सनली मुझे भी और काफ़ी लोगों होंगे जो उनको कॉम्पैक्ट फ़ोन पसंद है, तो उस लिहाज से आई डोंट लाइक दैट फोन। तो उस लिहाज से ये सब कुछ कवर कर रहा है, कॉम्पैक्टनेस दे रहा है, 100 ऑपरेशन दे रहा है, लेटेस्ट चिप दे रहा है, फास्ट है, गुड प्रोसेसिंग, गुड कैमरा, गुड वीडियो क्वालिटी, 4K, वाटरप्रूफ, और क्या चाहिए आपको। तो ये सभी चीज़ों से लैस फ़ोन इस प्राइस रेंज में आपके सामने एप्पल ने पेश किया है, एंड मैं मानता हूँ कि ये काफ़ी अच्छा करेगा इंडियन मार्केट में, क्योंकि इंडियंस आर ऑल्सो लुकिंग फॉर सच डिवाइसेस जो आपको टिकाऊ चीज़ें मिले और परफॉर्मेंस भी अच्छी दे, तो ये सब कुछ आपको देने वाला है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट बाय, अगर आपने स्विच करना है एप्पल में एंड यू वॉन्ट गुड डिवाइस इन ए गुड प्राइस पॉइंट, तो दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट प्रेजेंट। तो आपको कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा होगा, आपका कोई भी सवाल एप्पल आईफोन SE से लेकर है तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और ये मेरी ओपिनियन है और काफ़ी रिसर्च के बाद मैं बोल रहा हूँ, और काफ़ी लोग मुझसे इत्तेफाक रखेंगे आई थिंक, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। अब एप्पल को भी पता लग गया कि इंडिया की मार्केट कैसी है, दे वॉन्ट मोर इन लेस अमाउंट, तो उस हिसाब से अब ये वो सारा कुछ प्लान दिमाग में रखते हुए इंडिया के लिए लॉन्च किया गया है, कि इंडियन मार्केट में आपको चाहिए कम पैसे में ज़्यादा काम, तो वो ही आपको करेगा। होप आपको पसंद आएगा वीडियो, थैंक यू वेरी मच, एंड अगर आप सोच रहे हैं एप्पल का कोई फ़ोन लेने के लिए बजट में, द बेस्ट बाय इज़ आईफोन SE। थैंक यू।